أستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستقيم تبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز اور آج جمعہ کا دن ہے اور ماہ جماد الثانی یا جماد الاخرہ اسلامی مہینہ 1443 ہجری کی آج 17 تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ آج کیا ہے 21 جنوری 2022 سورہ صافات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور میں ابھی اپنے پچھلی تقریروں میں تو خیر اتنا اس میں نہیں لگا وہ اہتمام جو ہے بیٹے میرے
उनसे किसी ने ये कहा है कि मौलाना की जितनी भी तरावीह पढ़ाई हैं दायरे के, अपने वालिद के बाद मुझे 42 साल हो गए पढ़ाते हुए तरावी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे ये कहा है कि मौलाना का एक कुरान तरावी का जो है वो आप उस पर डाल दें, फेसबुक पे, यू पता नहीं किस किस पे। तो वो उसकी वजह से कैसेट फैले हुए थे, तो उसमें से एक कैसेट जब लगाया तो उस दिन ये पता चला, यानी इत्तफाक है, कि जब मैं सेनेट से फारिग हुआ था 2018 में मार्च में, तो मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने के बाद सूरह यासीन मुकम्मल हुई है, तो 2018 में सूरह साफात शुरू हुई थी। 2019, 20, 21 और अब 22, 4 साल हो रहे तकरीबन। और ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये मेरे बहरुल उलूम होने की दलील नहीं है और न मुझे कोई इसकी तमन्ना है। इसकी तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ मेरा इल्म बढ़ा दे, अगरचे आयत और दुआ भी है रब्बी जिदनी इल्मा, लेकिन बहरहाल मैं अपने ज़ौक से ये कह रहा हूँ कि इल्म बढ़े या न बढ़े, लेकिन अल्लाह ताला मरते दम तक जो बात भी कहलवाएं वो हक और सच की बात हो, बस इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं है। और इल्म के हमें झंडे गाड़ने की हाजत नहीं है। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो जाए आपको हो जाए, बहुत बड़ी तादाद होती है 27 शब में उसमें उन्हें हो जाए, तो वो असल कारामत इल्म है, वरना इल्म का बढ़ाना ये मकसूद नहीं है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बहुत सी दुआएं मांगी, एक ऐसी दुआ भी मांगी है, फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से। लीजिए, इल्म तो वजह फजीलत है, पना मांगने की चीज़ थोड़ी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, या आपने कोई नेमत तलब की है या किसी मुसीबत से पनाह मांगी है, ये दोनों दुआएं हमें और आपको मिलती हैं कुरान में भी हदीस में भी। जहाँ पे असअलू का आ जाए वहाँ पर ये मफहूम है कि ऐ अल्लाह मुझे ये चाहिए, मैं ये मांगता हूँ, मुझे मैं तलब करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, और जमा हो तो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका। और जहाँ पर पनाह मांगनी मकसूद है वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें फरमा रहे हैं, सुना रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूँ, इस मुसीबत से पनाह मांगता हूँ, आप मुझे अपनी आगोश रहमत में ले लीजिए। इन्ना नऊज़ु बिका, इन्ना नसअलुका, इन्नी असअलुका, इन्नी अऊज़ु बिका। एक दुआ भी है, अगर याद रह जाए तो करते रहा कीजिए, दुआ मासूर है, मसनून है और बड़ी जामे। मैं अक्सर ये बता दिया करता हूँ कि भाई ये दुआ मांगते रहा करो, चलते फिरते याद भी हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजाअतिल खैर وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ترجمہ سنیے، آپ دعا فرما رہے ہیں، یعنی امت کو دے رہے ہیں کہ اے اللہ میں طلب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں آپ سے
अचानक अच्छी खबर, अच्छी खबर मिल जाए तो इंसान कहता है भाई चलो। बहुत से मौक़ों पे लोग कहते हैं मियाँ बच्चे की शक्ल तो बाद में देखेंगे, पहले खबर तो सुनाओ, सही भी कोई मसला तो नहीं हुआ। अच्छी खबर, खुशखबरी। अगर बच्चों को ये पता चल जाए कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आ गया तो बहरहाल खुशी तो होती है कि भाई चल के देखो, अखबार में देखो। जमीमा आता था उस ज़माने में, फिर उन्होंने अपना इनरोलमेंट, वो जो नंबर था उसको तलाश किया तो देखा कि फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ गया। अभी न कोई मार्कशीट मिली, न कुछ मिला, न आगे गए। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या ये खबर सुन के खुशी नहीं होती? सबको होती है। ऐसी फितरी दुआ आपने हमें और आपको दी है, फरमाया कि ये दुआ मांगते रहा करो, चलते फिरते, वजू की भी कैद नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फुजाअतिल खैर, अचानक खुशखबरी, ये मांगने की चीज़ है। और पनाह किससे मांगी? व अऊज़ु बिका मिन फुजाअतिश शर, और ऐ अल्लाह मुझे बुरी खबर सुनने से बचा ले। यानी ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि मुस्लिम और मोमिन का तो मकाम बहुत ऊंचा है, हमें तो फख्र है कि हमारे नबी ने हमें ये दुआ दी है। लेकिन गैर मुस्लिम भी अगर ये मांग ले, उसका मामला है। मांगे या ना मांगे, आप उसका इंटरव्यू ले लें कि तुम्हें अच्छी खबर पसंद है या बुरी खबर पसंद। वो भी कहेगा भाई अच्छी खबर मुझे भी मालूम, मुझे भी चाहिए। जैसे किसी हिंदू से, ईसाई से, यहूदी से, किसी से भी, पारसी से, कादियानी से भी पूछ ले हम कि भाई तुम जन्नत पसंद करते हो या जहन्नम, कोई नहीं कहेगा कि नहीं जी मैं तो जहन्नम पे राजी हूँ। नहीं, सब कहेंगे कि हमें तो जन्नत चाहिए, जन्नत हम लेना चाहते हैं। हमें बल्कि समझते भी हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो जन्नत ही में लेके जाएगा। हालांकि ये उनकी भूल है। जन्नत का रास्ता तो ईमान सबसे पहली चीज़, फिर आमाल सालेहा। लेकिन कोई भी दुनिया का इंसान ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई जन्नत नहीं चाहिए। नहीं, सबको जन्नत चाहिए, जहन्नम से बचना एक फितरी बात है। इसीलिए बादी चीज़ें यहीं जहन में आती हैं तो मुझे सोचना पड़ता है, और मैं सोचने का मैं वो रखता नहीं है सिलसिला। नहीं आती, ठीक है, आगे चलो। वरना वो मेरे वालिद ने मुझे जब तकरीरें लिख के दी थी यहाँ सन 78 में, जो ये अभी एहतमाम भी अभी करके गए आपके सामने, वो ये ऐसा फैज़ जारी है उनका। मैंने इन्हीं तकरीरों को उनके सामने पढ़ा, आज मेरे बच्चों के भी काम आ रही है। अल्लाह ताला उम्मत के हक़ में इसको फ़ायदेमंद बनाते। तो उन्होंने एक शेर लिखा था इसी उन्वान के पैराए में, उन्होंने लिखा था कि वो फरमाया कि दर रहे मंजिल लैला के खतर हास बजा, दर रहे मंजिल लैला के खतर हास बजा, शर्त अव्वल कदम अनस्त के मजनू बाशी। फरमाया कि भाई लैला तो सबको पसंद है, लैला का जिक्र ही मोहब्बत और पसंदीदगी पर है कि मजनू उसका आशिक था, लैला उसकी महबूब थी। तो इसीलिए मुहावरा हो गया कि भाई ये मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरी लैला, मेरा महबूब, मेरा मकसूद। तो फरमाया कि मैं अपने मकासद और अपने महबूबों से मिलने का तो सबका जी चाहता है। मेरी लैला और है, आपकी लैला और है, आपकी लैला और है, यानी महबूब। अपने महबूब से मिलना, अपना मकसूद हासिल करना, ये फितरी चीज़ है।
इससे बहस नहीं है कि ये इस्लाम का तकाजा है या कुफर का है, लेकिन फरमाया कि लैला सबको पसंद है, सब अपनी अपनी लैला की तरफ भागते फिर रहे हैं। बहरहाल फरमाया कि ये एक उसूल बन गया है कि अपने लैला के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो ये फूलों की सेज नहीं होगी, कांटों पर से गुजरना पड़ेगा। फरमाया कि दर रहे मंजिल लैला के खतर हास बजा, दर रहे मंजिल लैला के खतर हास बजा, शर्त अव्वल कदमा नस्त के मजनू बाश। लैला की तलाश में निकलोगे यानी अपने महबूब की तलाश में तो तकलीफें तो आएंगी, तकलीफों से तो गुजरना पड़ेगा। मस्जिद तलाश करनी है तो मस्जिद तलाश करने में भी जहमत तो होगी, लेकिन अगर कोई गिरजा और मंदिर तलाश करेगा उसको भी जहमत होगी। जिसका मकसद मस्जिद में आना है, जिसका मकसद मंदिर में जाना है, जहमत दोनों में। तो फरमाया कि अगर दुनिया की हर लैला के हुसूल में और हासिल करने में मेहनत है, मशक्क़त है, तकलीफें हैं और मशक्क़तें हैं, तो फिर जन्नत के मामले में क्या ख्याल है? ये क्या वैसे ही आपको सोने की तश्तरी में रख के दे दी जाएगी? नहीं, जन्नत जन्नत तो बहुत बड़ा मकसद है। ख्वाजा साहब ने यही बात फरमाई, फरमाया कि बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। जन्नत इतनी आसान और इतनी सहल नहीं है कि बस आप कह जी मेरे बाप मुसलमान, मेरे माँ, मेरे दादा, इससे क्या होता है? अगर ये बुनियाद होती कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा ये सब मुसलमान थे तो इसलिए मैं जन्नती हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहिक बना दे, दुआ तो करते रहें, लेकिन इस ख्याल को ज़रा सा इसके साथ लगा दें। जैसे आप कहते हैं जी मैं ये अटैच कर रहा हूँ फार्म के साथ, इस ख्याल के साथ ये भी अपना अकीदा समझ लें, कुछ कोई हकीकत समझ लें, इसे अटैच कर लें, और फिर सारी बुनियादें जो हैं वो सब हट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, दिमाग साफ हो जाएगा। अगर ये ख्याल है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए जन्नत में जाऊँगा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े खुले अल्फाज में अपनी चहीती साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, या फातिमा, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, उन उजी नफ्स की मिनन्नार फ़इन्नी ला उगनी अन्कि मिनल्लाही शैया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फातिमा अगर आतिश जहन्नम से बचना चाहती हो तो अपने ईमान और अमल से कोशिश करना, ये न समझना कि मैं तो नबी की बेटी हूँ। आप बताइए, अब तो कोई बुनियाद ही नहीं रही, लोग कह देते हैं आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा जी बताइए, मैं पीरान पीर का गुलाम हूँ, हुजूर के बेटे तो नहीं हो, हुजूर की औलाद तो नहीं हो, पीरान पीर की औलाद हो, उनकी अगर औलाद हो, उनके मुरीद हो, उनके चाहने वाले हो, उनके नाम लेवा हो, हम भी उनका नाम लेके जीते हैं और फख्र करते हैं कि हम उसी सिलसिले से बंधे हुए हैं कि जिसको कहा जाए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अगर हुजूर अपनी साहबजादी से भी फरमा रहे हैं कि भाई बेटी ये मत समझना कि मेरी बेटी हो तो बख्शी जाओगी, ईमानदारी की बात यह है, अल्लाह ताला हमें ईमान पर खात्मा अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना दे, लेकिन करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। फरमाया कि बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं,
और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। कोई आपसे कहे, घर वाले कहें, महल्ले वाले कहें, भाई कहाँ चले, उसने कहा जी जैकब लाइन मस्जिद में जा रहे हैं। अभी से, अभी तो 12 बजे, अभी तो 12:30 बज रहे हैं, अभी तो भाई 1:45 हो रहे हैं। और उन्हें ये भी पता है कि भाई 2:30 तो बज ही जाते हैं 2:45 नमाज में, भाई अभी से क्यों जा रहे हो। अगर ये कोई अकली तौर पे आपको ये बताना चाहे कि भाई चले जाना 2:30 बजे चले जाना, नमाज तो मिल जाएगी, खुतबा भी मिल जाएगा, लेकिन आपने कि आ गए, मैंने तो नहीं किसी का वक्त नोट किया, लेकिन 1, 2, 3, 4 अब आते चले जा रहे हैं। मैं वल्लाह बिल्ला, ये कसम है नाम की, अल्लाह की, और कसम खाना बिला वजह का खेल नहीं है। अगर अल्लाह ताला को आपकी ये अदा पसंद आ गई कि भाई अभी तो खुतबे में भी देर थी, नमाज में भी देर थी, लेकिन ये वो बंदा है जो मेरी मोहब्बत में मस्जिद में पहले ही आके बैठ गया, मैं वल्लाह ये समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला इसी पर आपकी जन्नत का फैसला फरमाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप आ गए बैठ गए। हदीस में आता है, असल इबादत तो है नमाज, जब तकबीर तहरीमा शुरू हो जाए, इमाम कहे अल्लाहु अकबर, आपने भी कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली, जमात शुरू हो गई। असल तो यह है तकबीर तहरीमा, लेकिन हदीस में आता है कि नमाज में अभी चाहे कितनी ही देर हो, आप अगर आ गए मस्जिद में और नमाज के इंतज़ार में हैं, तो नमाज का सवाब तो है ही आपको मिलने वाला, लेकिन जो इंतज़ार सलात है ये भी नमाज के सवाब में दाखिल है। आपने जो नमाज का इंतज़ार किया है ये अबस और बेकार नहीं है। किसी ने गलत आपको बहका दिया होगा कि भाई अभी क्या ज़रूरत है जाने की, अल्लाह ताला बख्शने पर आए, अता फरमाने पर आए, तो खुदा की कसम मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बड़ी बात है, फरमाया कि रहमत हक बहाना मी जोयद, रहमत हक बहाना मी जोयद, रहमत हक बहाना मी जोयद। आप कहेंगे ये दूसरे मिसरे में हाथ क्यों मिलाया, फारसी है, बस मैंने पढ़ ली थी अपने वालिद की तवज्जो से, उसी से काम चला रहा हूँ। अल्लाह ताला जहाँ दीन के काम को कायम रखे, फारसी भी कायम फरमाए। बहुत उलूम है, बड़ी इसमें नसीहतें। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि भाई अल्लाह का मामला ये है, अल्लाह ताला तो बख्शने पर, अता करने पर बहाने तलाश करते हैं, यानी बहाने तलाश के माना ये नहीं कि अल्लाह को ढूंढना पड़ता है, बल्कि मकसद ये है बहाने बहाने पर अता फरमा देते हैं। हम और आप तो हिसाब किताब पूछते हैं, पहले पूरा दिखाओ, पूरे महीने में क्या किया, क्या भाड़ झोंका, क्या गलतियाँ की, इतने पैसे कटेंगे, ये होगा। और अल्लाह ताला जब आते हैं देने पर, तो फरमाते हैं कि बस इसको दे दो, हमने फैसला कर दिया। अल्लाह ताला ऐसे ही हमें अता फरमाते हैं। फरमाया कि अल्लाह ताला बहानों पर हमें और आपको बख्श भी देते हैं, अता भी करते हैं, बड़ी बड़ी इबादतों पर नहीं देते। बहा के माना है खजाना। फरमाया कि अल्लाह ताला बहानों पर हमारा फैसला फरमाते हैं, खजानों पे नहीं फरमाते कि जी कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी तस्बीह पढ़ी, कितने रोज़े रखे, अगरचे उसका भी अजर मिलेगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अपने अपने महबूब और अपने मकसूद के खातिर तकलीफ उठानी पड़ती है। फरमाया के दर रहे मंजिल लैला के खतर हास बजा, शर्त अव्वल कदम अनस्त के मजनू। लैला को अगर लेना चाहते हो, अपना अपना मकसूद हासिल करना चाहते हो, तो पहली शर्त यह है कि तुम्हें मजनू बनना पड़ेगा। और मजनू ने बड़ी मेहनत की है, ये मेरा मौजू नहीं है,
लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरा इल्म नहीं है इसमें, और इल्म के बढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है दुआ की। असल चीज ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ऊ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचते तो होंगे मौलवी साहब ये क्या कहते हैं औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस नहीं है, ये अदब है। उलमा ने लिखा है कि जब हदीस के कलिमात और जुमले अपनी जबान पर ले आओ, अव्वल तो लाओ जब जब तुम्हें याद हो, जब याद नहीं है तो बिलावजे उल्टे सीधे यहाँ की यहाँ रख दी वहाँ की वहाँ रख दी, ये ना करो। वो शेर तो आप सब सुनते हैं, याद होगा, नात का शेर है, 27वें शब्द में सुनते हैं आप, हदिया अकीदत जहे मुकद्दर हुजूर हक से, उसका एक शेर है, फरमाया कि ये राह हक है यहाँ, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, और पता नहीं क्या है। तो ये राह हक जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे जाने का मौका मिल जाए तो अदब के साथ जाना, और बड़े तकाजे हैं। और जब हुजूर का कलाम जबान पर लाना चाहो तो याद हो तो लाना, नहीं याद हो तो मत लाओ, और जब याद था और पढ़ दिया सुभान अल्लाह। फरमाया कि भाई ये बहुत अदब का तकाजा है, पढ़ने के बाद ये कह दिया करो औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा इसका ये है, भाई मैंने जो हुजूर के कलिमात और जुमले पढ़े हैं शायद मुझसे फिर भी कोई गलती हो गई हो, सही वही है जो हुजूर ने फरमाया, मुझसे मुमकिन है गलती हो गई हो, ये अदब में कहा जाता है। तो मालूम हुआ कि आपने पनाह मांगी है इल्म से, इल्म तो पनाह मांगने की चीज नहीं। कोई कहे जी मैं मस्जिद से पनाह मांगता हूं, लो मस्जिद से कौन पनाह मांगता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन, ए अल्लाह मुझे पनाह में रख ले ऐसे इल्म से जो फायदा ना पहुंचाए। फायदा क्या, जो पैसा ना बनाए, जो दौलत ना बढ़ाए, जो बंगला ना दिलाए कि साहब मैं तकरीरें करूं तो मुझे पैसे मिलें मुआवजा और फिर मैं अपना बंगला बना लूं, गाड़ियां खरीद लूं। इसीलिए दीन और शरीयत की बात कहने का मुआवजा लेना नाजायज और हराम। कोई आपको हदीये में कुछ दे दे कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये तय करना, जैसे साल में 2 महीने आते हैं इस तय करने के, अपने अपने मौलवी सब सारे के सारे, अगर तुम हमसे ये करवाना चाहते हो ये रेट है ये, और अब तो सेक्रेटरी रखे हुए हैं, ये बताएगा कि इतने घंटे के इतने पैसे, इतने घंटे के इतने पैसे। अल्लाह ताला मुझ समीत सबको हिदायत अता फरमाए। बयान कर ऐसा इल्म बेफायदा है कि जो असल में रुपया और पैसा कमाने में लग जाए। इल्म तो अल्लाह की बहुत बड़ी सिफत है, अल्लाह ताला ने इल्म हमें और आपको दिया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे इल्म से ऐ अल्लाह मुझे पनाह में रख जो न मुझे फ़ायदा पहुंचाए यानी आखरत का, और जन सुनने वालों को फ़ायदा पहुंचाए यानी आखरत का। रुपया पैसा और दौलत इस इल्म से वाबस्ता नहीं है। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि 4 साल हो गए सूरह साफ़ात पढ़ते पढ़ते, बीच के बहुत से मज़ामीन अलग हैं, तो ये मेरे इल्म पर नहीं है, अल्लाह ताला ने बस चला रखा है जब तक ज़िंदगी चल रही है। तो बहरहाल ये उस दिन पता चला कि 4 साल हो रहे हैं, तो उम्र इसी में गुजर जाए,
कभी कोई समझे कि जी इतने साल क्यों आपने लगा दिए, अच्छा था हम और आगे भी सुन लेते, और जिस जो अब तक सुना है उस पर अमल हो रहा है, तो आगे सुनने का बिलावजह शौक रखा हुआ है कि जी हम, मेरा तो जी चाहता है कि अल्लाह ताला इतनी उम्र अता फरमाए कि पूरा कुरान करीम जुमे में बयान हो जाए, और अल्लाह ताला ईमान के साथ और बगैर किसी मोहताजी के, लेकिन बस ये दुआ मांग लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, होगी नहीं। 66 साल मेरे वालिद मोहतरम को मिले, लोग सुन के हिल जाते हैं, इतनी कम उम्र, काम तो देखो क्या लिया है। खुद कहते हैं कि साहब मैं 75 साल का हूं, मतलब ये कि मुझे तो 15 साल पहले चला जाना चाहिए था। खुद कहते हैं मैं 80 में बैठा हूं, कोई किसी में, कोई 70 के, 70 तो ऐसे आराम से आ जाते हैं, लेकिन 66 साल से मेरे वालिद मोहतरम के जब वो दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया, अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए। तो बात ये है, अल्लाह ताला काम लेना जानते हैं, किससे कितना काम लेना है। यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम समझाना इसलिए भी जी चाहता है कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। आपका मकाम कौन समझाएगा अल्लाह के सिवा। लेकिन एक शेर ऐसा है जो ये बात आती है, और वो शेर भी ज़बान पर आता है, फरमाया कि होता न तेरा नूर गर, कुछ भी ना होता जलवा गर। ये अकीदा है, ये वैसी शायरी नहीं है। होता न तेरा नूर गर, कुछ भी ना होता जलवा गर, तेरे सबब ये सब बना सल्ले अला मुहम्मदिन। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। पूरी कायनात, अगर आपको दुनिया में भेजना मकसूद ना होता तो कुछ भी ना बनता। तो इतनी बड़ी हस्ती, उनकी क्या उम्र थी, 63 साल, और 3 साल मेरे वालिद से भी कम। क्यों? अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जिस बंदे से जितना काम लेना था, जब काम हो गया, अब हुक्म भेज दिया, भाई अब आप तशरीफ ले वापस आ जाए, बस हो गया। हमें जो काम आपसे लेना था, जितना लेना था हमारे इल्म में है, अब ये इतना काम आपसे ले लिया, आप तो आ जाए, अब हम किसी और के जरिए चलाएंगे। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि ऐसा मुझे मालूम होता है कि अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा रहने वाला नहीं। हज कब होता है? जिलहज में। जिलहज की भी कौन सी तारीख? 9 जिलहज, 10 वो भी उसमें आ जाती है। जिलहिज के 20 दिन, मुहर्रम के 30 दिन, एक महीना, 20 दिन सफर, 2 महीना 20 दिन, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को चले गए दुनिया। 2 महीना 20 दिन, या यूं समझिए कि 3 महीना, 3 महीने कबल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जुमले निकल रहे हैं, शायद अब मैं आपके दरमियान ज़्यादा रहने वाला नहीं। बस, और ये फरमाया कि वो काम के जो अल्लाह ताला ने तमाम नबियों समेत मुझसे जो काम अल्लाह ने लिया है, फरमाया कि वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि मुझसे जो लेना था ले लिया, अब मेरी उम्मत के एक एक फ़र्द से ये काम लेंगे, एक एक फ़र्द। किसी के जहन में ये हो कि भाई हमारा तो काम नहीं है जी, कोई जहाज़ चलाने वाले से कहे कि भाई वो बैंक का कोई मसला है, बैंकिंग का, वो कहेगा भाई मेरा क्या काम है। और कोई रेलवे वाले से कहे कि यार पायलट
हड़ताल पर बैठे हैं आप, जहाज उड़ा, क्या भाई मेरा क्या काम? तबलीग से और दावत गोया दीन से एक भी मुसलमान बालिग ये नहीं कह सकता कि जी मेरा क्या काम, आप ही का तो आई है। कयामत तक के लिए अल्लाह के नबी की ज़बान नबूवत ने एक एक मुसलमान, तो है तो कुरान बहुत सी जगह, मैं जब सिपारा सुनाता हूँ यहाँ पे अपना तरावी की, आजकल मैं वो कर रहा हूँ,